ये परमेश्वर का है। आमेन। आज का जो दिन है वो आपका है। हम लोग हर किसी ने बोला आज का दिन मेरा है, बोलो आज का दिन मेरा है, आज का दिन मेरा है, बोलो जरूर। परमेश्वर आप लोग के हृदय में कुछ ना कुछ बोलने वाला है। परमेश्वर सच्चा खुदा परमेश्वर आप लोग के हृदय में कुछ बात करेगा। जब इस धरती पर यीशु मसीह ने हम लोग को बहुत कुछ सिखाया था, यीशु का चेला लोग को बहुत कुछ सिखाया था। एक दिन ऐसा हुआ वो अपना डिसाइपल लोग को, अपना जो चेला लोग को छोड़ के यीशु मसीह जाना पड़ा। हम लोग को भी बहुत भूख लगा जब प्रोफेट पास्टर उन लोग सिलोंग छोड़ के जा रहा है कुछ दिन के लिए, तो मुझे भी दुख लगा क्योंकि एक संडे अगर नहीं होगा कितना तकलीफ होगा एक संडे को। और उन लोग दो संडे दो हफ्ता भर उन लोग यहाँ पर नहीं रहेगा हम लोग का। अगर माँ बाप सरा विश्वासी लोग, माँ बाप सरा अगर हम लोग बेटा बेटी बेटा बेटी ने जिएगा घर परिवार में भी कितना परेशान होता है, कितना तकलीफ होता है। इसी तरह आज भी हम लोग का मंडली में भी, इसी तरह आज भी हम लोग का मंडली में भी हम लोग का फादर हम लोग का पिताजी आज यहाँ पर नहीं है। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु हम लोग के बीच में है, पवित्र आत्मा हम लोग का बीच में है, प्रभु ने कुछ बोलने वाला है। इसलिए यीशु मसीह ने भी जब उन लोग का चेला लोग को छोड़ के जब जा रहा था स्वर्ग में जब जा रहा था, यीशु मसीह ने बोल के किया था मैं तो जा रहा हूं, आप लोग को बिना पिता की वजह से मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं आप लोग के लिए पवित्र आत्मा को भेजूंगा, यीशु मसीह ने बोल के किया है। इसी तरह आज भी हम लोग का बीच में भी परमेश्वर का आत्मा है। आमेन, आमेन, हालेलुया। इसलिए आशा मुझे थोड़ा मदद कर दीजिए, परमेश्वर का वचन को मैं लेके आना चाहता हूँ। हम आज हम लोग का बीच में यही है। मैं सोच रहा था कि मैं क्या बोलूंगा, परमेश्वर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो सब कुछ तो आपका ही है, आप मुझे सिखाओ पिता परमेश्वर मैं क्या बोलूंगा आज, इतना आदमी लोग के बीच में मैं क्या बोलूंगा। ये हम लोग का जो चर्च ऑर्डिनरी चर्च का जैसा नहीं है, ये तो प्रोफेटिक चर्च है, ये प्रोफेटिक चर्च है, मैं क्या बोलूंगा परमेश्वर आपका बीच में, ये मैं बोल रहा था। लेकिन परमेश्वर जैसा अगुवाई करता है, जैसा बोलना चाहता है, परमेश्वर ने परमेश्वर के लिए मेरे अपने आप को मैं दे दिया, जो कुछ बोलेगा।